हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरो और पॉलिनोमियल की, जो कि पॉलिनोमियल ही चैप्टर का है। तो सर, समझते हैं क्या होता है जीरो और पॉलिनोमियल। ओके सर, देखिए कह रहा है कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल इफ़ पी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। यानी कि कोई भी, जैसे कि अगर हमारे पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो है, तो अगर हमें इसको प्रूव करना है कि जैसे 4 है, ठीक है, और हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, हम कह रहे हैं कि क्या 4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पॉलिनोमियल, सॉरी एक ज़ीरो है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या ये 4 जो है वो एक ज़ीरो है? तो हम क्या करेंगे, हम एक्स इज इक्वल टू 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। और अगर x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका एक जो 0 है वो 4 है, ठीक है। ज़ीरोज़ कहने का मतलब आप सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, ज़ीरोज़ कहने का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, x की वैल्यू। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है वो बेसिकली या पॉलिनोमियल, अभी हम बात करें पॉलिनोमियल की, सॉरी, तो अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या कोई भी एक पॉलिनोमियल होगा, वो या तो एक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर टी के फॉर्म में होगा, या एक्स के फॉर्म में होगा, वाई के फॉर्म में होगा, है ना। तो ज़ीरोज कहने का मतलब कि सॉल्यूशन। अब जो ज़ीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर, ठीक है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा होगा कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, तो उसमें केवल जो 1 ही ज़ीरोज़ होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, ठीक है, तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि उस पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर इस चैप्टर में बेसिकली टू ही पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सर, ज़ीरो समझ में आई क्या होता है ज़ीरोज। अब यहाँ पे ये पी एक्स क्या है? तो सर, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो, जैसे कि हमने कहा कुछ भी ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ओके, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ भी होंगे। एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से या एफ एक्स से, है ना, यानी कि एक्स वाला टर्म होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स है तो हम पी एक्स कह लें या एफ एक्स इज इक्वल टू कह लें, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर टी होता, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो हम फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं एफ टी या पी टी, ठीक है, या क्यू टी, समथिंग, कुछ भी, बट उस वेरिएबल के टर्म में होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई? ये पी एक्स, यहाँ पे हम पी एक्स भी ले सकते थे, यहाँ पे हम एफ एक्स भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। ज़ीरो समझ में आया? ज़ीरो क्या होगा? पर्टिकुलर उस हमारे पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा, और जो ये जो ज़ीरोज़ है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो या तो क्वाड्रेटिक है या तो एक क्यूबिक है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, इतनी सी बात समझ में आई? चलिए, अगर बात समझ में आ गई तो आते हैं फिर एक्सरसाइज पर। ओके सर, देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2B RS अग्रवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, देन फाइंड, पहला कह रहा है P0, P3 एंड P-2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं P0। हमने बताया ना, जैसे ये पी एक्स है, यानी हमने कहा सर कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, और ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया पी एक्स से, हमने डिनोट कर दिया, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये पी एक्स, ये पॉलिनोमियल को हमने पी एक्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर टी होता, जैसे कि 5 माइनस 4t प्लस 2t स्क्वायर, तो हम इसको लिखते पी टी या एफ टी, ठीक है, या क्यू टी, कुछ भी लिखते हैं। ओके, कह रहा है कि फाइंड
पी ज़ीरो, तो सर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पी एक्स है और यहाँ पर क्या हमसे पूछ रहा है पी ज़ीरो कह रहा है, मतलब सर सिंपल सी बात है कि एक्स की जगह इसने क्या रख दिया ज़ीरो। तो हम भी क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन में, जहाँ भी एक्स होगा उसकी जगह हम ये रख देंगे ज़ीरो। सो पी ज़ीरो इज इक्वल टू 5 - 4 × 0 + 2 × 0 का स्क्वायर, तो बाकी सब तो टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या 5। तो पी ज़ीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। समझ में आया नहीं आया, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि हमें पी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमारे पास फिर से वही पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x² ओके, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, पी थ्री की। यानी कि सर देखिए यहाँ पर पी एक्स था, अब यहाँ से हमसे वैल्यू किसकी पूछ रही है, पी थ्री की वैल्यू पूछ रहा है। तो जहाँ भी एक्स है उसकी जगह इसने क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो अब हम भी अपने पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, जहाँ पर भी एक्स होगा उसकी जगह हम रख देंगे 3। ओके, तो पी थ्री इज इक्वल टू रख देते हैं 5 - 4 × x, एक्स की जगह में क्या रखना है 3, + 2 × x² एक्स एक्स की जगह में क्या रखना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, 5 4 3 12 और ये 3 3 9, 9 2 18 कितना हो जाएगा, 5 में से 12 गया -7 और +18 तो कितना आ जाएगा 11। सर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बेसिक अभी देखिए आप लोग क्या हैं कि जस्ट 8th से अगर 9th में आए हैं, थोड़ी सी चीज़ें बड़ी मिलती हैं, बट ये तो सिंपल सी चीज़ है ना। बट फिर भी समझ लीजिए, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -12 था, तो भाई हमारा 5 + में है 12 - में है। हम होता क्या जानते हैं क्या है कि अगर प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और सिंबल किसका लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं बड़े वाले का, यानी कि 12 जो है फ़िलहाल अभी क्वांटिटी में बड़ा है, ठीक है, बट जो 12 है वो माइनस में है, तो सिंबल हम बड़े वाले का लगाएंगे। ओके, तो -7 बचेगा +18, -7 + 18 को फिर से हम क्या करेंगे, -7 - में है 18 + में है, तो -+ क्या होता है माइनस, इट मीन्स हम इसको माइनस करेंगे और सिंबल किसका लगाएंगे, जो क्वांटिटी में बड़ा हो, और क्वांटिटी में बड़ा कौन है 18, तो यहाँ पे रहेगा सिंबल प्लस का, और प्लस का सिंबल हम शो नहीं करते हैं। तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। बात आई समझ में, नहीं आई, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर सर कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ P-2। ओके, P-2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम हमारे पास पॉलिनोमियल वही है, वही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे एक्स था पी एक्स था, अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया P-2 कर दिया, तो हम भी अपने पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, एक्स की जगह -2 पुट अप कर देंगे। चलिए रखते हैं फिर, तो P-2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 की जगह तो 5 ही रखेंगे, -4 × -2। ओके, फिलहाल अभी वैल्यू रखते हैं, अभी कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, +2 × -2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पर माइनस है 4 के पास, आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, यहाँ पर 4 के पास माइनस है और इस 2 के पास माइनस है, तो -+ का मल्टीप्लाई अगर होता है तो क्या हो जाता है प्लस, दैट इज़ प्लस, क्या आ गया प्लस, और 4 2 8। ओके सर यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर है -2 के पावर 2, तो सर आपको याद रखना है या आपको याद होगा पता होगा कि अगर किस कोई भी इंटीजर अगर माइनस में है और माइनस जो इंटीजर है अगर उसका पावर अगर इवन है ऑड है तो क्या होता था, अगर इवन है तो उसकी जो वैल्यू आती थी वो पॉजिटिव आती थी, अगर ऑड है तो उसकी जो वैल्यू आती थी वो निगेटिव आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो -2 है, 2 के पावर क्या 2 है, और 2 हमारा कैसा एक है इवन है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, तो 2 2 4 और 4 2 8, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 21। सो P-2 की वैल्यू कितनी आ गई 21। बात समझ में आई सर, नहीं आई, चलिए फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तो सर आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि इफ़ पी वाई इज इक्वल टू, देखिए सर हमने क्या कहा था, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो वाई के टर्म में होगा, जैसे कि 4 + 3y - y² + 5y³, ये y के टर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 5y, सॉरी py लिखा गया है, ठीक है। तो py इज इक्वल टू हमारा एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पी ज़ीरो, सेकेंड फाइंड आउट करना है P2 एंड थर्ड फाइंड आउट करना है P-1। ओके, तो सर सिंपल सी बात है, पी ज़ीरो है तो जहाँ भी हमारे पास y होगा, यहाँ पे पी वाई था और यहाँ पर पूछ दिया पी ज़ीरो, यानी कि इसने वाई की जगह इसने क्या रख दिया 0, तो हम भी वाई की जगह क्या रखेंगे 0, दैट इज़ 4 + 3y - y² +
5 5 ये था हमने रख, चलो पहले सिंपल सा हम पहले पुटअप करते हैं वैल्यू को, वाई की जगह जहाँ भी वाई है उसकी जगह हम रखते हैं 0। तो 4 + 3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस, तो 0 का कितने में मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। सो P0 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इतनी बात समझ में आई। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है P2 की, कैसे निकलेगी। तो सर जहाँ पे वाई है ना हमारा ये पॉलिनोमियल है PY इज इक्वल टू, तो इस वाई की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो रख देते हैं, तो दैट इज़ P2 इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 × y³ दैट इज़ 2 का क्यूब। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 × 6 माइनस 2 के पावर 2 है दैट इज़ 4 प्लस ये हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8, और 8 × 5 = 40 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, आप चाहे जैसे भी सॉल्व कर लो। ठीक है 4 + 6 10 हो जाएगा, और 40 -4 इनको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये हमारा हो जाएगा 46। ठीक है ओके क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके सर ठीक है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और 40 + 6 हमारा 46 हो गया। नेक्स्ट देख कह रहा था, क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है P-1 की। ठीक है P-1, तो आइए सर अगर समझ में नहीं है तो फिर से देखते हैं। हमारे पास एक पॉलीनोमियल है PY इज इक्वल टू 4 + 3y - y² + 5y³, हमें वैल्यू निकालनी है P-1 की। तो सर सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी वाई होगा उसकी जगह हम रख देंगे -1। ओके तो 4 - 3 × -1, अब ये माइनस अगर 1 है या माइनस में अगर हमें कोई भी वैल्यू अगर रखनी पड़ती है किसी भी इंटीजर के मल्टीपल में मल्टीप्लाई में, तो हम हमेशा उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है तो 3 × -1 -y² दैट इज़ -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1 का क्यूब। सॉल्व कर लिया कितना हो गया 5 माइनस, देखो 3 - 1 करेंगे तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3। ओके ये -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, बट ये जो माइनस है प्लस माइनस फिर से हो जाएगा माइनस, और ये -1 का क्यूब है तो -1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा -1, और -1 का 5 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -5। सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा -5। अगर आपको इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके आपके लिए डाल दी जाएगी। ठीक है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि इफ FT इज इक्वल टू 4t² - 3t + 6 फाइंड पहला F0, फिर से वही क्वेश्चन, F0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो टी के फॉर्म में दिया है, वेरिएबल जो दिया है वो टी के फॉर्म में दिया है। दूसरा हमें फाइंड करना है F4 की वैल्यू, थर्ड फाइंड करना है F-5 की वैल्यू। तो सर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करो और तुरंत सॉल्व करो। ओके और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो अगर आ जाए तो, ऐसे आ ही जाएंगे सिंपल से हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। भाई इसी के लिए तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जीरोज फाइंड करना है। ओके कि हम पर्टिकुलर उस पॉलीनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक तो पहला कह रहा है कि PX इज इक्वल टू X-5। तो सर आपको एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, मतलब याद क्या, ये कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आपको किसी भी पॉलीनोमियल का अगर ज़ीरो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है ज़ीरो, मतलब उसके अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं तो आपको उस पॉलीनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है आपको जो है उस पॉलीनोमियल को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। भाई सपोज किया कि हमारे पास PX इज इक्वल टू X-5 है, तो फॉर जीरोज़ जीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे PX इज इक्वल टू ज़ीरो,
क्यों याद कीजिए कि जैसे बोलता था कि अगर कोई किसी का ज़ीरोज़ है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती थी, ज़ीरो हो जाती थी ना। तो अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है तो उस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ जो उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पी एक्स इज इक्वल टू रख दिया ज़ीरो, तो जहाँ भी पी एक्स है उसकी जगह हम रख देंगे ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, और एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल टू फाइव इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। तो अगर ये एक्स की वैल्यू फाइव है तो हमने पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर ली, सो फाइव इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ऐसे निकालते हैं ज़ीरोज़। बात समझ में आई, नहीं आई, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। हमने ये भी बताया था कि अगर हमारा एक क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है तो उसके कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, वन ही तो ज़ीरोज़ मिलेंगे, यानी कि एक्स की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक ही वैल्यू मिल रही है ना। अगर यही आपका अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल, अभी हम बात करें पॉलिनोमियल की, अगर यही आपका एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती ना, एक्स के दो सॉल्यूशन मिलते। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ क्यूब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। फिर से हमारा एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब अगर हमें जीरोज़ निकालना है तो भाई जो जीरोज़ अगर हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, दैट इज़ क्यूब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ही हम क्यूब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे भाई क्यूब एक्स की जगह क्या रख दो, ज़ीरो रख दो, तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल टू फोर उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि एक्स का एक सॉल्यूशन निकल गया, इस पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन निकल गई, यानी कि इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकल गई, और इस पॉलिनोमियल की एक ही ज़ीरो होगी और वो कितनी होगी, माइनस फोर। ये आपका हो गया आंसर, नहीं आया समझ में, चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है। चलो देखिए प्रैक्टिस कीजिए, सारा का सारा ये बेस्ड है आपके प्रैक्टिस पर, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट क्लास एट से आए हो नाइन्थ में, तो बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहाँ एट्थ का सिलेबस और कहाँ नाइन्थ का सिलेबस, कहाँ वो मतलब एट समझ लो कि छोटा मोटा एक वो तालाब सा था, है ना। अभी आप निकल करके कहाँ आ गए हो, एक बड़े से नदी में आ गए हो, समुद्र नहीं कह सकते, एक बड़े से नदी में आ गए हो। समुद्र आप ओशियन तब कहोगे जब आप 10th क्लास से निकल के जब 11th में जाओगे, तब उस समय आप कहना है कि सर हम तो एक छोटे से नदी से निकल करके हम तो ओशियन में आ गए, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैटर करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ को। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, और इस 3x+1 से हमें क्या निकालना है, इसका एक ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो सर सिंपल सी बात है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ भी एफ एक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू हम रख देंगे ज़ीरो, सो 3x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। 3x, अब सबसे पहले हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस वन को, जब प्लस वन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का वन, और फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे थ्री को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। आपको ये भी पता ही होगा सिंपल, ये तो बहुत पहले ही पता होगा कि 3 × x है, तो 3 जब मल्टीप्लाई में अगर कोई भी चीज़ अगर दूसरी तरफ जाती है तो वो उसके जस्ट डिवाइड में आ जाती है ना। ये सब सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू -1/3, सो इसका एक ज़ीरो आ गया, और वो ज़ीरो क्या है, -1/3, ठीक है। तो -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, जो भी हमने पॉलिनोमियल मानना है पी एक्स। पी एक्स में फिर से कन्फ्यूज़ हो गया क्या, नहीं पी एक्स कुछ नहीं है, पी एक्स पॉलिनोमियल है। हम पी एक्स क्यों कर रहे हैं कि भाई सॉरी यहाँ पे एफ एक्स होगा सर, क्या सर अभी एफ एक्स होगा, सॉरी एफ एक्स होगा, ठीक है। हम एफ एक्स क्यों कह रहे हैं, तो सर हम इतने बड़े पॉलिनोमियल को बार बार नहीं लिखेंगे 3x+1, तो यहाँ पे हम 3x+1 लिखने से अच्छा है कि हमने लिख दिया एफ एक्स। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें किसका ज़ीरोज़ निकालना है। एक हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू 5 -4। अब यहाँ पे जी दे दिया, हमने बताया ना कुछ भी किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एक्स, क्यू एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, ठीक है, कुछ भी, एस एक्स, बस यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल होना चाहिए ब्रैकेट में वही वेरिएबल होना चाहिए। ओके तो इसका सर हमें ज़ीरोज़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जी एक्स को ज़ीरोज़ के लिए
जीरोज़ निकालने के लिए, पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालने के लिए इस जी एक्स को हम रख देंगे जीरो के इक्वल। तो जैसे ही हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 - 4x = 0। अब सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र करोगे, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सबसे पहले 5 को। 5 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद आप ट्रांसफ़र, ये देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, x = 5/4। तो एक्स की एक सॉल्यूशन आ गई, क्या आ गई, 5/4। तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। तो हम कह सकते हैं सर कि 5/4 इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, बात समझ में आई, नहीं आई, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है px = ax + b। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि ए कैन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ए की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए, ये तो हिंट भी दे दिया, ठीक है। तो चलिए सर करते हैं। तो हमें ज़ीरोज़ निकालना है, यानी कि ज़ीरोज़ निकालने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बात आप कंटस्ट कर लीजिए, मतलब लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो आपको पर्टिकुलर उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर वेरिएबल आपका एक्स में है तो एक्स की वैल्यू निकालिए, टी में है तो टी की वैल्यू निकालिए, वाई में है तो। चलिए, तो px = ax + b है, तो फॉर ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, px = रख देंगे ज़ीरोज़। सो ax + b = 0। यहाँ पे आप सबसे पहले ट्रांसफ़र किसको करना है, बी को, तो बी इधर जाएगा तो माइनस, और आपको निकालनी है वैल्यू एक्स को, तो एक्स को आपको वहीं छोड़ना पड़ेगा और ए को इसकी तरफ लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा -b/a। तो एक्स का जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया, -b/a। तो हम कह सकते हैं सर कि -b/a इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। बात समझ में आई, चलिए सर एक नेक्स्ट देखते हैं। pt = 2t - 3। ओके, अब ये टी के टर्म में दे दिए ना, यानी कि अब यहाँ से हमें फिर से क्या निकालना है, इसका ज़ीरोज़ निकालना है। तो ज़ीरोज़ जो होगी वो हम किसकी निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल की, और यानी कि हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, तो टी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फॉर ज़ीरोज़ pt = 0, सो रख देते हैं जहाँ भी pt उसकी जगह रख देते हैं 0, तो 2t - 3 = 0। सो 2t = 3, t = 3/2। क्या सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, qx = 4x। ओके, हमें यहाँ से क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है, किसका किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, मतलब सॉरी पॉलीनोमियल का निकालना है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए, तो हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू एक्स की वैल्यू हम रख देंगे ज़ीरोज़। सो 4x = क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़। x = 0/4, और 0/4 को अगर 0 4 से डिवाइड करोगे, 0 को 4 से डिवाइड करोगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 0। तो भाई 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि x की जो सॉल्यूशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और एक ही सॉल्यूशन आएगी। क्यों क्यों आएगी एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें कोई भी पावर नहीं है, एक के अलावा कोई पावर नहीं है। तो अगर अगर डिग्री 1 है तो एक ही 0 आएंगे। अभी आगे देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करके बताओ, इफ़ px = a ax, सॉरी ये a है, ठीक है, इफ़ px = ax, देन आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके बताओ कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है ये, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक्सरसाइज 2B। तो सर कह रहा है वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है भाई, 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = x - 4। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो 4 है ना, क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जो है, जो 4 है वो एक ज़ीरो है। तो आप तो बड़े आसानी से बता सकते हो, नहीं बता सकते, भूल गया सर। ओके, चलिए फिर से रिवाइज़ कराते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को, अगर ये बताना है कि ये जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की एक ज़ीरो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी कि ज़ीरो है मतलब x =
फोर है, ठीक है। और एक्स इक्वल टू फोर जैसे ही हम इस पॉलीनोमियल में रखेंगे, इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जानी चाहिए ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाती है तो हम कहेंगे कि सर ये जो फोर है वो इस पॉलीनोमियल का ज़ीरो है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल। तो गिवन है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, तो हम क्या कर दें, एक्स इक्वल टू फोर रख दें, तो सो पी फोर इज़ इक्वल टू फोर माइनस फोर। और पी फोर जैसे हमने फोर माइनस फोर रखा वैसे क्या आ गया, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर पी फोर की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक पॉलीनोमियल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमें वही वेरीफाई करना है, वेरीफाई माइनस थ्री इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। इट्स अ सिंपल सी बात है, माइनस थ्री ज़ीरो है इस पॉलीनोमियल का। तो भाई अगर ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री हम इस पॉलीनोमियल में पुटअप कर देते हैं, और एक्स की वैल्यू अगर माइनस थ्री अगर पुटअप कर देते हैं तो उस पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जानी चाहिए ज़ीरो। अगर उस पॉलीनोमियल की वैल्यू आती है ज़ीरो तो हम कह देंगे कि हमारा एक ज़ीरो है इस पॉलीनोमियल का। तो गिवन है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, सो पी माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया सुनना, ठीक है। तो आ गया माइनस, तो हम कह सकते हैं सर कि माइनस थ्री जो है वो हमारे पॉलीनोमियल की एक ज़ीरो है। बात समझ में आ रही है सर? नहीं आ रही है ना तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि फिर से वेरीफाई करना है, माइनस वन अपॉन टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी वाई इज इक्वल टू, और वो पॉलीनोमियल क्या है, पी वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन। तो भाई अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो किसके फॉर्म में दिया है, वाई के फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं। तो अब ये वाई की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू हम क्या करेंगे, रखेंगे जहाँ भी वाई होगा पॉलीनोमियल में उसकी जगह हम माइनस वन अपॉन टू रखेंगे। और माइनस वन अपॉन टू रखने पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हम कह देंगे सर कि ये माइनस वन अपॉन टू हमारे इस पॉलीनोमियल का एक सॉल्यूशन है, एक ज़ीरो है। सिंपल। तो गिवन है हमारा पी वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस वन, तो जहाँ भी वाई है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस वन अपॉन टू, सो माइनस वन अपॉन टू। तो टू इंटू वाई, वाई की वैल्यू रख देते माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, सॉल्व कर लेंगे, ये टू से टू कट गया, क्या बचेगा, माइनस वन प्लस वन, दैट इज़ माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू सुनना आ गया सुनना। तो हम कह सकते हैं भाई कि माइनस वन अपॉन टू क्या है, इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी वाई। समझ में आ गया? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू अपॉन फाइव इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स। ये आपको प्रूव करना है कि टू अपॉन जो फाइव है वो क्या है, एक ज़ीरो है। किसका ज़ीरो है भाई, पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव एक्स का एक ज़ीरो है। तो सर बड़ा ही सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव रख दो, अगर ज़ीरो आता है, आ ही जाएगा, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई हमारा जो टू अपॉन फाइव है ये इस ज़ीरो का, ये सॉरी ये इस पॉलीनोमियल का एक ज़ीरो है, अदरवाइज नहीं है। बट वेरीफाई करना है तो आना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़े सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ ये तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, नहीं चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेरीफाई, भाई वेरीफाई आप वहाँ पे वर्ड याद रखो, वेरीफाई वन एंड टू आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब ये क्या है सर, ये दो दो ज़ीरोज़ क्यों दे दिया? तो सर हमने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सॉरी अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के टू ज़ीरोज़ होंगे, होंगे ना, नहीं होंगे, होंगे, बताया था ना, ये रूल है, ये मतलब ट्रिक है याद रखने का। तो सर यहाँ पर एक्स के पावर वन दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स के पावर वन दिख रहा है, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बोल रहे हो? अरे भाई अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे है ना, इस एक्स का एक्स में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इस एक्स का टू में क्या आएगा, माइनस टू एक्स, फिर इस वन का एक्स में माइनस एक्स, फिर इस माइनस वन का टू में माइनस माइनस प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर मिला ना, एक्स स्क्वायर मिला मतलब वो कैसा पॉलीनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया। ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया तो हमें उसके कितने ज़ीरोज़ मिलने चाहिए, टू ज़ीरोज़ मिलने चाहिए, और उसी और यही दो ज़ीरोज़ है, वन और माइनस टू, और हमें इसी दोनों ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में है या फिर ऐसे ही बोल रहा है फर्जी में। तो चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबसे पहले हम वन को चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या वन रखने पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है।
पी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास ये गिवन है P1, जहाँ भी एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, वन। सो वन माइनस वन इज इक्वल वन माइनस वन इंटू वन माइनस टू, वन माइनस वन दैट इज जीरो, जीरो का वन माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो वन जो है वो इस पॉलीनोमियल की एक जीरो दिखाई पड़ रही है। क्यों दिखाई पड़ रही है भाई? क्योंकि P1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। चलिए अब टू को भी चेक कर लेते हैं। तो जहाँ भी एक्स होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, टू। सो P2 इज इक्वल टू टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, टू माइनस टू का मतलब जीरो, जीरो का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। तो सर P2 की भी वैल्यू जीरो आ गई। तो हम सर कह सकते हैं कि वन और जो टू है आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, बात समझ में आई? आ गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं, चलिए ये कर ही देते हैं। कह रहा है कि जीरो एंड थ्री आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ये वेरीफाई करना है कि जीरो और थ्री जो हैं वो इस पॉलीनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं। ओके, तो सेम वही चीज़ भाई, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके हमें कितने जीरोज़ मिलेंगी? ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पी एक्स इज इक्वल टू, हम रखते हैं सबसे पहले ज़ीरो, तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई ज़ीरो हमारा एक उस पॉलीनोमियल का एक ज़ीरोज़ है। अच्छा, दूसरा देखते हैं क्या थ्री भी ज़ीरोज़ है, तो थ्री पी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू थ्री रखते हैं। तो थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री दैट इज़ नाइन माइनस नाइन, नाइन माइनस नाइन की वैल्यू आती है सुनना, हो गई सुनना। तो हम कह सकते हैं सर कि जीरो एंड थ्री आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स। ओके, बात समझ में आई? आ गई। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ट्राई करो, कर ही सकते हो, बड़ा आसान है ना? तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा भी हो ठीक है, आप कमेंट करके बता दो सर अच्छा है वीडियो नहीं अच्छा है, जैसा भी हो रिस्पॉन्स ज़रूर दे दो। ओके, टेक केयर।